पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, देखो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है या बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि पी और एन जंक्शन हमने बनाया, हमने बाइसिंग की, बाइसिंग में हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की, रिवर्स पर हमने की, क्यों ऐसे ही बस करंट घुमा दिया? नहीं, हम एक डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम है रेक्टिफायर, जिसमें पीएन जंक्शन डायोड को यूज करेंगे। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहला क्वेश्चन, जरूरत क्या है यार एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की, जरूरत क्या है? कहीं डेली रूटीन में यूज करते हो आप ऐसी चीजें, एसी से डीसी करते हो क्या? नहीं, देखो जो आप मोबाइल यूज करते हो, चार्जर लगाते हो, 10 वोल्ट 5 वोल्ट पे मोबाइल काम करता है, कोई बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए इसको, 220 नहीं चाहिए, इसको 220 नहीं चाहिए। आप लैपटॉप यूज़ करते हो, अडैप्टर लगाते हो, उसको भी ज़्यादा वोल्टेज, आप बैटरी भी चल पड़ती है, लैपटॉप बैटरी भी चलता है कई कई घंटे, ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए। सर सेमीकंडक्टर की लो पावर डिवाइसेज हैं ये, बहुत पावर नहीं चाहिए इन्हें। तो हम क्या करते हैं, पीछे से क्या आता है 220 एसी, और हमें मान लो चाहिए 12 वोल्ट डीसी। आप डॉक्टर लगाते हो, वो डॉक्टर के अंदर पहले लगा होता है ट्रांसफॉर्मर छोटा सा स्टेप डाउन, जो 220 को किस में कन्वर्ट करेगा, 12 वोल्ट एसी, एसी से एसी स्टेप डाउन। फिर रेक्टिफायर लगा होगा, रेक्टिफायर क्या करेगा, 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ट्रांसफॉर्मर तो फिर भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, रेक्टिफायर चाहिए। तो रेक्टिफायर क्या हुआ, जो एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी। पॉइंट नंबर वन क्लियर। तो कोई भी रेक्टिफायर जो पीएन डायोड से काम करता है, ये मैंने बता दिया कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, तो ये दो किस्म के, हाफ वेव और फुल वेव, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल किसी भी रेक्टिफायर का एक ही है, क्या? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन बिकम्स लो, रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो जाती है जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है जब वो किस में होता है, इन रिवर्स बायसिंग में होता है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस हाई हो जाती है और फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस लो हो जाती है, या इन शॉर्ट फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड अपने अंदर से करंट को पास होने देता है और रिवर्स बायसिंग में पास नहीं होने देता। ठीक है यहां तक? तो पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसका डायग्राम देखते हैं पहले, ये डायग्राम है, ये ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी सेकेंडरी और ये डायोड, सिंगल डायोड लगा हुआ है। ये क्या काम कैसे करता है? देखो डीसी वैसे तो बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल लाइन सीधी फ्लैट होता है, लेकिन इतनी जल्दी फ्लैट नहीं बनाया जाता और फ्लैट बनता भी नहीं। डीसी में क्या होता है बेसिकली, अगर आप एसी के, देखो एसी में क्या होता है, एसी में एक बार करंट इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार हमने किया था एसी, नेगेटिव साइकिल क्या होता है, नेगेटिव साइकिल मींस करंट की डायरेक्शन क्या होना, चेंज होना। तो पॉजिटिव साइकिल का मतलब करंट का राइट जाना, तो नेगेटिव का मतलब करंट का लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ये एसी है। हम क्या करते हैं, पहला काम ये होता है कि करंट की डायरेक्शन को रोकना कि वो चेंज ना हो, क्योंकि डीसी तो एक ही तरफ चलता है। तो पहला काम नेगेटिव साइकिल्स को उड़ाना, अगर नेगेटिव साइकिल्स उड़ गए तो नेगेटिव साइकिल हट गए अगर, तो आपका डायग्राम या तो ऐसा दिखेगा या आपका डायग्राम ऐसा भी दिखेगा, ये देखो फुल वे में ऐसा दिखता है, ये एसी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये डीसी है, डीसी मतलब प्योर डीसी नहीं है, हाँ इसको हम बाद में डीसी बना देंगे, इसको फ्लैट करेंगे, पर पहला स्टेप क्या है, नेगेटिव साइकिल को हटा के उसको क्या कन्वर्ट करना, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइकिल का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो अगर करंट इस साइकिल में राइट है तो इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, तब जाके वो डीसी बनेगा। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर कि रेक्टिफायर क्या करेगा, नेगेटिव साइकिल को उड़ा देगा। तो अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हो, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये आपने सपोज करो एक इनपुट आया, ये इनपुट है, ठीक है इनपुट है, और इनपुट में पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। तो जब पॉजिटिव साइकिल आया
तो उसने यहां पर किया नेगेटिव, उसने यहां पर किया पॉजिटिव, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया। तो बाय इंडक्शन यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव, और यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव, उल्टा हो गया। अब जैसे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, प्लस इज कनेक्टेड विद पी, तो कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड, इसने एज इट इज करंट को यहां पास करवा दिया, तो यानी कि पॉजिटिव साइकिल बाहर आया और एज इट इज बाहर आ गया, हमने यहां नोट कर लिया, चेंज कुछ नहीं किया, पॉजिटिव का पॉजिटिव पास हो गया। अब बारी आई किसकी, नेगेटिव साइकिल की। नेगेटिव साइकिल में यहां प्लस माइनस की जगह क्या किया उसने, प्लस, और यहां पर क्या किया, नेगेटिव, तो बाय इंडक्शन ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव विद पी, कौन सी बायसिंग, रिवर्स, इसने करंट को ब्लॉक ही कर दिया, कहता मैं नेगेटिव साइकिल को क्रॉस ही होने नहीं दूंगा, तो ठीक है, नेगेटिव साइकिल आया, कोई आउटपुट नहीं, जीरो आउटपुट, खत्म। फिर वापस पॉजिटिव साइकिल आया, तो पॉजिटिव साइकिल में फिर फॉरवर्ड बायसिंग क्रॉस होने देगा, नेगेटिव साइकिल आया, रिवर्स बायसिंग रोक लेगा। चलो इसमें एक फ्लॉ है कि पॉजिटिव साइकिल के बाद करंट नहीं आता, फिर आता है, फिर आता नहीं, लेकिन कम से कम नेगेटिव नहीं आता, तो नेगेटिव साइकिल हट गए, तो यहां पर हो सकता है आपका बल्ब एक बार जले और फिर ना चले, फिर जले फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए करंट गायब हो जाएगा, पर हाँ नेगेटिव साइकिल इसमें खत्म हो गए। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसके फ्लॉ को चेंज किया हमने, ठीक किया, कैसे, हमने यहां पे दो डायोड लगाए, अब ये कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव, फुल वेव में दो डायोड लगाए, आउटपुट यहां लेने की बजाय बीच में ले, तो सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल आया, पॉजिटिव ने इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव किया, बाय इंडक्शन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। अब जैसे ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव विद पी, तो कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड, और ये क्या है, रिवर्स, तो ये तो कहता है मैं तो करंट पास होने दूंगा नहीं, ये कहता मैं होने दूंगा, तो सारा का सारा करंट ऊपर से क्रॉस हो गया, डन, क्रॉस हो गया, तो क्रॉस हो गया, तो इसने डायग्राम नीचे बना दिया, आउटपुट का डायग्राम आ गया, एज इट इज पास हो गया, ठीक हो गया। अब बारी है किसकी, नेगेटिव साइकिल की। नेगेटिव साइकिल ने क्या किया, ये नीचे नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल ने क्या किया, जो ऊपर माइनस था उसको प्लस कर दिया, प्लस को इसने माइनस कर दिया, तो ये भी चार्जेस उल्टे हो गए। अब नेगेटिव इज कनेक्टेड विद पी, तो कौन सी बायसिंग है, रिवर्स, और पॉजिटिव विद पी, कौन सी बायसिंग है, अब ये कहता है मैं तो पास होने दूंगा नहीं, ये कहता है मैं होने दूंगा, तो सारा का सारा करंट यहां से चला गया, ठीक है, डन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, ऊपर भी करंट लेफ्ट की तरफ आया था, नीचे भी करंट लेफ्ट की तरफ है, जबकि एसी कैसा होता था, पहले साइकिल में राइट फिर लेफ्ट फिर राइट लेफ्ट राइट, डायरेक्शन चेंज करता था, इसमें डायरेक्शन कॉमन हो गई, चाहे साइकिल जरूर है पर दोनों तरफ करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसने नेगेटिव साइकिल को भी क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि नेगेटिव साइकिल का मतलब डायरेक्शन का चेंज होना, और यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यहां पर तो हर वक्त डायरेक्शन एक ही है, तो इसने पॉजिटिव को एज इट इज, नेगेटिव को पॉजिटिव, इस तरीके से आउटपुट हो गया। तो ये पहला स्टेप है, सारे एसी के नेगेटिव साइकिल उड़ा के इसने क्या कर दिए, पॉजिटिव। फिर आगे मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में कि हम प्योर डीसी कैसे निकालते हैं इसमें से, बट एक स्टेप क्लियर है, हाउ टू रिमूव द नेगेटिव साइकिल, ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। जब एग्जाम में आएगा तो आपने लिखना है इसका सबसे पहले क्या डिवाइस है क्या, तो ये एक रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज। फिर आप लिखोगे इसमें प्रिंसिपल, इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि रेजिस्टेंस जो हाई हो जाती है रिवर्स बायसिंग में डायोड की और फॉरवर्ड बायसिंग में लो हो जाती है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद लिखोगे कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाओगे, फुल वेव आया तो फुल वेव, हाफ वेव आया तो हाफ वेव। उसके बाद क्या करोगे, कुछ वर्किंग लिखोगे जिसके अंदर एक्सप्लेन करोगे ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है। तो ये तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। क्लियर है यहां तक। इसी के अंदर सर, हाँ जी सर, अगर ये रेक्टिफायर ना हो तो, मतलब सर अगर डिवाइस में रेक्टिफायर, सर अगर डिवाइस में रेक्टिफायर ना हो तो क्या होगा, तो एसी का एसी चला जाएगा उड़ जाएगा, आपकी चिप उड़ जाएगी, धुआं छोड़ देगा और चलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे डिवाइस डीसी पे चलते हैं सेमीकंडक्टर्स के, एसी पे चलते ही नहीं, उड़ जाएंगे। आपने देखा नहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उड़ जाते हैं बड़ी जल्दी, अगर जरा सी वोल्टेज ऊपर नीचे हो तो टीवी टूवी तो वैसे उड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है तो उसके अंदर भी सब लगा हुआ है डिवाइस, अगर मान लो या लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप उड़ जाते हैं अगर ज़्यादा वोल्टेज कर दोगे तो 20 वोल्ट पे काम करेगा और आप दे रहे उसको 220 वोल्ट, तो इतनी तो ये लो पावर डिवाइसेज हैं, 10 वोल्ट 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट
220 पे तो हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, धुआं छोड़ जाएगा, खत्म। ठीक, तो आगे रिपल फैक्टर क्या होता है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें डी जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट को हम रिपल फैक्टर बोलते हैं, या वोल्टेज एसी वोल्टेज डीसी। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, एफिशिएंसी है कि आउटपुट डीसी पावर, आउटपुट में कौन है डीसी, इनपुट में कौन है एसी, तो इसकी क्या है एफिशिएंसी है। ठीक है यहाँ तक। इसमें ना कुछ न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो इसके जो न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हैं वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूलाज ही यूज हो रहे हैं। इसमें बेसिकली है क्या, ट्रांसफॉर्मर ही तो है। अब चेक करो वी आर एम एस क्या होता है, वी प्राइमरी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब वी नॉट बाई रूट टू, ये देखो वी सेकेंडरी वी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, कोई इसका अपना फॉर्मूला नहीं है। ऐसी फुल वेव में वी सेकेंडरी वी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी प्राइमरी, ये देखो डीसी कॉम्पोनेंट एवरेज वैल्यू होती है एसी की, आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू होती है। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तब की तब देखेंगे, वैसे आता नहीं है इसके ऊपर, पर अगर आया तो ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूला से काम चल जाएगा इसमें। क्लियर है यहां तक?